हाय एवरीवन, वेलकम टू रितीज फूड जोन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी टेस्टी मलाईदार कुल्फ़ी। इसे हम बिना गैस चलाए बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगी, चलिए इसकी हम रेसिपी जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 पके हुए केले लिए हैं। आप भी बिल्कुल पका हुआ जो केला होता है वही लीजिए, क्योंकि पका हुआ केले की कुल्फ़ी बिल्कुल अच्छी बनती है। अब इस केले को हम छिलके से अलग करके एक बोल में डाल देंगे। केले को हमने बोल में डाल दिया है। अब इस केले को आप चाकू लेकर ऐसे टुकड़ों में काट लीजिए, क्योंकि इस केले को हमें फिर मैश करने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से आप उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। अब एक मेसर लेकर आप इस केले को अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, इसे आप अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। तो केला मेरा अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसको मैं एक एयरटाइट कंटेनर लूँगी और इस कंटेनर में मैं इस पूरे केले को डाल दूँगी। तो ये देखिए, सारे केले को मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है। अब आप इस कंटेनर को अच्छी तरह से पैक कर दीजिए और आप इस कंटेनर को 2-3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। जहाँ पे हम बर्फ़ वगैरह जमाते हैं ना, उस खाने में आप इसको 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि ये केला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाए। तो इसे रखे हुए मुझे 2-3 घंटा हो गया है। तो चलिए इसे अब हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, केला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से जम के सेट हो गया है। अब इसको हम एक चम्मच लेकर ऐसे बाहर निकाल लेंगे और इसको हम एक मिक्सी जार में डाल देंगे। आप धीरे धीरे करके ऐसे बाहर निकालिए और इसको आप सीधा मिक्सी जार में ही डाल दीजिए। तो ये देखिए, मैंने सारे केले को निकाल कर ऐसे मिक्सी जार में डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 कप के करीब दूध की मलाई। ये सिंपल वही मलाई है जब हम दूध को गर्म करके ठंडा करते हैं तब उसके ऊपर जो मलाई जम जाती है ना, ये सिंपल वही मलाई है, घर की मलाई है। तो इस मलाई को भी मैं इसमें पूरी डाल दूँगी। अब इसमें मैं डालूँगी 1/3 के करीब चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आप जितना मीठा खाते हो उस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल दीजिए। अब इसमें मैं डालूँगी 2-3 इलायची। इलायची अगर आपको पसंद हो तो ही डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब मिक्सी का जार बंद करके मैं इसको अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो इसको मैंने पीस लिया है। ये देखिए इसका टेक्सचर, ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह क्रीमी क्रीमी बन गया है। तो ये लिक्विड तो हमारा कुल्फ़ी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ही। अब इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें मैं डालूँगी रफली चॉप किए हुए बादाम, और साथ में जो येलो वाली किशमिश आती है उसको मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब इन सभी को मैं अच्छे से ऐसे मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है। तो ये लिक्विड हमारा बिल्कुल कुल्फ़ी बनाने के लिए रेडी है। अब इसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये जो चाय कॉफ़ी के लिए जो थर्मोकोल का कप आता है ना, मैं ये ले रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई कप ना हो तो आप जो स्टील की ये छोटी वाली कटोरी होती है, ये कटोरी में भी आप इस कुल्फ़ी को जमा सकते हो। तो अब मैं इस कुल्फ़ी के मिश्रण को ऐसे कप में डाल दूँगी। आप धीरे धीरे करके कप में ऐसे कुल्फ़ी के मिश्रण को डाल दीजिए। तो इसी तरह मैं सभी कप को भर लूँगी। ये देखिए, मैंने सभी कप को भर लिया है और इस मिश्रण से मेरी 7 कुल्फ़ी बनेगी। अब इसको मैं एक एल्यूमिनियम फॉइल लेकर अच्छे से ऐसे कवर कर लूँगी, ताकि जब इसको हम फ्रीजर में रखेंगे तब इसके अंदर बर्फ़ ना जमा हो और कुल्फ़ी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से जमा हो जाए।
तब इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल को इसके ऊपर सेट कर दीजिए और ऊपर से आप इसे रबर हो तो रबर लगा दीजिए ताकि बर्फ़ अंदर बिल्कुल ना जमे। अब इसके ऊपर हम चक्कू लेकर एक कट लगाएंगे। इस तरह से आप इसके ऊपर कट लगा दीजिए और इसके ऊपर जो ये कुल्फी की स्टिक आती है वो स्टिक आप इसके ऊपर रख दीजिए। अगर आपके पास स्टिक ना हो तो आप जो चम्मच होती है चम्मच को ऐसे उल्टा करके आप इसके ऊपर रख दीजिए। तो ये देखिए मैंने सभी कप को ऐसे रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको मैं रखूँगी 8-9 घंटे के लिए फ्रीजर में ताकि ये कुल्फी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से जम जाइए। अगर आप इसको पूरी रात रखना चाहते हो तो पूरी रात भी आप इसको रख सकते हैं ताकि कुल्फी हमारी बिल्कुल बढ़िया से जम जाए। तो इसको मुझे रखे हुए 8-9 घंटे हो गए हैं। चलिए इसको अब हम चेक कर लेते हैं कि कुल्फी हमारी बिल्कुल बढ़िया से जमी है या नहीं। तो आप इसे हल्के हाथों से ऐसे एल्यूमिनियम फॉइल को अलग कर दीजिए। तो ये देखिए कुल्फी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से जम गई है और इसके अंदर बर्फ बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर एल्यूमिनियम लगाई थी ना इसलिए। तो अब आप लीजिए एक कैंची और कैंची से आप इस पेपर वाले जो कप है उसको आप कैंची से कट कर लीजिए ताकि कुल्फी हमारी बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगी। ये देखिए इस तरह से आप कुल्फी को हल्के हाथों से बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए हमारी क्रीमी मलाईदार बिल्कुल मार्केट जैसी कुल्फी बनके बिल्कुल रेडी है। इस तरह से मैं सभी कुल्फी को बाहर निकाल लूँगी। तो ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी मलाईदार कुल्फी और इसे हमने बिना गैस जलाए बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाइए और खाइए। यहाँ पर मेरी कुल्फी तो बिल्कुल पिघल रही है तो मैं जा रही हूँ इसे खाने के लिए। पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप मिस ना करें।